नमस्कार, हैक्स न्यूज में आपका स्वागत है। हाजिर हैं शहर से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल को एक वर्ष पूरा होने पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बुधवार को फिरोजाबाद के पुलिस लाइन प्रांगण में पहुंचे और अपनी सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया। मुख्यमंत्री लगभग डेढ़ घंटे तक फिरोजाबाद में रुके और जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कई योजना के लाभार्थियों को योजना से जुड़े प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत कांच उद्योग को लेकर की। उन्होंने फिरोजाबाद के कांच उद्योग को दुनिया का बेहतरीन उद्योग बताया, साथ ही किसान वर्ग के लिए एक विशेष योजना पेश की। देखिए ये रिपोर्ट। मंच की ओर आ रहे हैं, आपसे अनुरोध कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और माननीय मुख्यमंत्री जोरदार तालियां बजाकर उत्तर प्रदेश के शेर योगी महाराज का स्वागत करें। सब लोग देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, उत्तर प्रदेश का शेर आया। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो दिन रात क्षण क्षण प्रदेश की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके हैं, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मनीष असीजा जी, एसपी सिंह बघेल साहब, पूर्व मंत्री जयवीर सिंह जी, सभी से मेरा अनुरोध कि वे माननीय मंत्री जी का जोरदार कर्तन ध्वनि से अभिनंदन करें। आप लोग तो मोबाइल से फोटो लेने में ज्यादा मशगूल है ऐसा लग रहा है। आप लोग तो जोरदार कर्तन ध्वनि से अभिनंदन करते रहें, शिलान्यास करें। आप लोग तो जोरदार तालियां बजाकर हमारे परम लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करें और जोर से तालियां बजाएं। इतनी सारी परियोजनाएं हमारे जनपद को मिली हैं, हमारी डीएम साहिबा लगातार इसके लिए प्रयास करती रही हैं और ये लोकार्पण का कार्यक्रम आपके सम्मुख हो रहा है, जिनमें 3448 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास, ये शिलापट्ट आप देख सकते हैं, और 253.38 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण। और सम्मानित मंच से अनुरोध कि वे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण दीप प्रज्वलन हो रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय, वो दी जा रही है। एक एक करके आप लोग जाएं। अनोखी देवी पत्नी प्रीतम सिंह को आवास की चाबी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, धीरपति देवी वाइफ ऑफ मनोज कुमार, इनको भी आवास की चाबी दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। वो श्री रमेश चंद्र जी को स्वीकृत पत्र दिया जा रहा है और श्रीमती गायत्री देवी पत्नी मुलायम सिंह जी को भी स्वीकृति पत्र परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। डीएम साहिबा नेहा शर्मा जी उनके साथ हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रधान। इनमें हेमंत अग्रवाल, प्रदीप गुप्ता जी, देवी चरण अग्रवाल जी व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के तहत अंकित पुत्र स्वर्गीय सुभाष चंद्र को 2 लाख का चेक प्रदान किया जा रहा है।